गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड क्लास में पढ़ेंगे मैथ्स। आप अपनी ये बुक ओपन कीजिए। लास्ट वीक हमने लेसन 6 की एक्सरसाइज 6A के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया था। आज हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। डिवीजन करके हमको क्वेश्चन एंड रिमाइंडर बताना है। रिमाइंडर की मतलब जो पीछे क्या बचेगा। 47 थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट 47 डिवाइडेड बाय 7। 47 अब 7 से डिवाइड करेंगे। मैंने आपको कहा था ना, एक तो आपको टेबल्स अच्छे से लर्न होने चाहिए। 7 के 4 नहीं आता ना 7 के टेबल पे, क्योंकि 4 छोटा नंबर है। तो हम 47 को पूरा करेंगे। अब बोलो 7 वन जा 7, 7 टू जा 40, 7 थ्री जा 21, 7 फोर जा 28, 7 फाइव जा 35, 7 सिक्स जा 42,
यहाँ पे जो आंसर आता है वो और आपका डिविडेंड सेम है तो आपका क्वेश्चन सही है। ओके, ये इस ढंग से करेंगे। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। अब बी पार्ट में क्या है, 40 डिवाइडेड बाय 5। 40 को करो 5 के टेबल पे, 40 कहाँ आ जाए, 5 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 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 40, आपका आंसर आ गया, क्योंकि रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा तो हम प्लस नहीं करेंगे, इस तरह से हम इसको करेंगे। ओके, अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट है आपका 21 / 7। अब इसको हम करेंगे डिवाइड, 21 को 7 से करेंगे, 7 के टेबल में 21 कहाँ आता है, 7 बचा 7, 7 बचा 14, 7 बचा 21, 0 0। ओके, अब इसको चेक कैसे करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 21, आंसर इज सेम, क्योंकि जहाँ रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है वहाँ पे आप प्लस नहीं करोगे। डी पार्ट, 83 / 9। अब पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, अब 9 के टेबल में 83 नहीं आता, 83 से छोटी संख्या कहाँ आती है, नंबर कहाँ आता है बोलो, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81। 3 में से 1 गया, 2, 8 में 3, 8 में 0। अब इसको कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई, 9 9 81, देन 81 में रिमाइंडर प्लस 2, 83 सेम आ गया, डिविडेंड आंसर इज ओके। नेक्स्ट ई पार्ट करेंगे हम, 64 / 8। अब 64 को आप डिवाइड करो 8 से, 8 के टेबल में 64 आता है बोलो, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64। 4 में से 4 गए 0, 6 में से 6 गए 0। अब इसको चेक करेंगे, 8 × 8 = 64, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 है, आंसर इज 64। इस तरह से चेक करते हैं, ठीक है। अब आपको मैंने ये 5 क्वेश्चन है, 5 to 5 मैंने आपको करवाए, आप इनको अपनी नोटबुक में करोगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन है प्रॉब्लम सम्स, सॉल्व करना है आपको। यस, क्वेश्चन फर्स्ट ए क्या है, क्वेश्चन आपका 12 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन आवर क्विज, कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया क्विज में, उसमें कितने स्टूडेंट ने किया, 12 स्टूडेंट्स।
कितनी बॉटल्स है पेंट्स की? पेंट्स बॉटल्स कितनी है? 40। ओके, कितने बॉक्सेस हैं? 8। कितने बॉक्सेस हैं? 8। हाउ मेनी पेंट्स बॉटल इन ईच बॉक्स? टोटल बॉटल्स 40 हैं, बॉक्सेस 8 हैं। तो क्वेश्चन आंसर ये पूछ रहे हैं कि ईच बॉक्स में, मतलब एक बॉक्स में कितनी बॉटल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, 40 को डिवाइडेड बाय 8। अब 8 के टेबल पे 40 कहाँ है बोलो? 8 पंजा 8, 8 टू जा 16, 8 थ्री जा 24, 8 फोर जा 32, 8 फाइव जा 40। तो इसका आंसर क्या होगा? ईच बॉक्स में कितनी बॉटल्स आई? 5 बॉटल्स। कितनी बॉटल्स आई? 5 बॉटल्स। ओके, ये प्रॉब्लम सब भी आप अपनी नोटबुक में करेंगे जो मैं आपको यहाँ करवा रही हूँ। अब हम करेंगे इसका लास्ट डी पार्ट। 35 मार्बल्स वर बीइंग शेयर्ड इक्वली बाय 6 चिल्ड्रन। मार्बल्स कितने हैं? 35। कितने हैं? 35। और चिल्ड्रन कितने हैं? कितने हैं चिल्ड्रन? 6। अब इनको इक्वली पार्ट में बांटना है। ओके, अब क्या करेंगे? 35 डिवाइडेड बाय 6। अब उन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन? हाउ मेनी मार्बल्स डिड ईच चाइल्ड गेट? एक बच्चे को कितने मार्बल्स मिलेंगे और उसके बाद हमारे पास कितने बचेंगे? तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अब 6 की टेबल में 35 नहीं आता, 35 से छोटा कहाँ आएगा बोलो? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। 5 में से 0 गए 5, 3 में से 3 गए 0। अब इसका आंसर क्या होगा? उन्होंने टू चीज़ें पूछी हैं कि आप ये बताओ कि ईच स्टूडेंट को कितने मार्बल मिलेंगे। तो ईच चाइल्ड को कितने मार्बल मिले? 5। और बाद में लेफ्ट मार्बल्स कितने बचे? लेफ्ट कितने बचे मार्बल? 5। ओके, क्योंकि इसमें आपका नीचे रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर जो है वो लेफ्ट यानी पीछे से बच गए। 35 मार्बल्स को 6 से आप डिवाइड करोगे, एक चाइल्ड को 5 मार्बल्स मिलेंगे और उसके बाद जो पीछे से बचेंगे वो 5। अभी आपको 6A का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है, ध्यान से करना। कुछ नहीं समझ में आता तो आप मेरे से पूछना। ओके।